बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.5 है। और उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरीफाई ए इनटू एडजॉइंट ए इक्वल इनटू एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए इक्वल टू इनटू डेट ए मल्टीप्लाई बेटा आई। इसको हमने वेरीफाई करना है, इसकी तस्दीक करनी है। तो इसमें जो गिवन मैट्रिक्स है वो हमारे पास ए है, ए इक्वल टू 1, 2, 4 एंड 6। तो अब इसके ना तीन पार्ट्स हैं, इसको हम पार्ट 1 का नाम देंगे, इसको 2 का नाम देते हैं, इसको 3 का नाम देते हैं। ये तीनों पार्ट्स इक्वल आएंगे, इनका आंसर इक्वल आएगा। अब हम पार्ट 1 को देखते हैं, यहां पे लिखते हैं पार्ट 1 ए इंटू एडजॉइंट ए। अब इसका मतलब क्या है, ए मैट्रिक्स को एडजॉइंट ए से, ए के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करना है हमने। अब ए का मैट्रिक्स तो हमारे पास ये मौजूद है, अब एडजॉइंट ए हम फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ए फाइंड करने से पहले हम देखते हैं कि एडजॉइंट क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं हम। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कॉलम का एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, बाय इंटरचेंजिंग डायगोनल एंट्रीज। Interchanging diagonal entries and changing the signs of other entries। एक बार फिर adjoint क्या होता है, उसमें किसी matrix के elements को interchange करते हैं, किसको, diagonal entries को। इंटरचेंज का मतलब उनकी जगह तब्दील कर देना, उनको रिप्लेस कर देना विद ईच अनदर। एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ अदर एंट्रीज। इसकी एग्जांपल हम देखेंगे उर्दू में, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कालब में वितरी अरकान की जगह और गैर वितरी अरकान की अलामतें तब्दील कर दी जाती हैं। कालब में वितरी अरकान की जगह और गैर वितरी अरकान की अलामतें तब्दील कर देते हैं। स्टूडेंट्स, हम इसको एक एग्जांपल के जरिए हम इसको देखते हैं। हम लेट करते हैं एक मैट्रिक्स हमारे पास बी है। अब जिसमें बी मैट्रिक्स 1, 7, -3 एंड 0 है। अब इसमें इन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, डायगोनल एंट्रीज। 1 और 0 ये डायगोनल एंट्रीज हैं, -3 और 7 ये नॉन डायगोनल है। 1 और 0 इसको वितरी अरकान कहते हैं, -3 और 7 इसको हम कहते हैं गैर वितरी अरकान। अब डेफिनेशन में मैंने क्या बताया कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं, जैसे ये डायगोनल है, डायगोनल एंट्रीज, इनको एक्सचेंज कर देंगे, इनको क्या करेंगे, इनको इंटरचेंज कर देंगे विद ईच अनदर, इनकी जगह तब्दील कर देंगे। 1 की जगह पे 0 और 0 की जगह पे 1 आ जाएगा, 0 और 1, ये दोनों एंट्रीज क्या होगी, इंटरचेंज होगी, एक्सचेंज होगी एक दूसरे के साथ। अब इनकी साइन चेंज करनी है, ये नॉन डायगोनल है, ये प्लस का 7 है, माइनस 3 प्लस का 3 हो जाएगा, तो इसको कहते हैं एडजॉइंट। अब इसी एग्जांपल को फॉलो करते हुए, अब जो हमने पार्ट 1 सॉल्व करना है उसमें क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ए, ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास सिर्फ वैल्यू किसकी मौजूद है, हमारे पास गिवन वैल्यू है मैट्रिक्स ए, ये गिवन वैल्यू है। एडजॉइंट की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ए इक्वल टू है, अब वो आपके जहन में होना चाहिए इसकी डेफिनेशन, कि ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इनके ये डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर देंगे, 6 इधर आ जाएगा और 1।
अब इनकी साइन प्लस का टू है, यहां माइनस का टू हो जाएगा, प्लस फोर है माइनस फोर हो गया, ये हमने एडजॉइंट निकाल लिया। अब हम ए को, ए मैट्रिक्स को एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए इक्वल टू, पहले ए लिखा हुआ है, ए का मैट्रिक्स वन टू फोर सिक्स, ये ए का मैट्रिक्स था हमारे पास जो हमने यहां पे लिख लिया। आगे है एडजॉइंट, अभी हमने एडजॉइंट फाइंड किया है, अब इसको लिखे इसको पुट करेंगे, सिक्स माइनस टू माइनस फोर एंड वन। स्टूडेंट्स अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का मेथड मैं आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रोस सेकंड के कॉलम्स ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड को फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, अगर हम इस रो को देखते हैं तो इसमें दो एलिमेंट्स हैं, अगर कॉलम को देखते हैं तो इसमें भी दो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वन मल्टीप्लाई बाय सिक्स प्लस की साइन, टू मल्टीप्लाई माइनस फोर, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड रो को भी फोर मल्टीप्लाई सिक्स, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ सेकंड सेकंड के साथ, प्लस क्या आएगा सिक्स मल्टीप्लाई माइनस का फोर। अब इन्हीं दोनों रोज को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई किया जाएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट वन, कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट माइनस टू, प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ टू मल्टीप्लाई वन, सेकंड रो फोर मल्टीप्लाई माइनस टू, प्लस सिक्स मल्टीप्लाई वन। स्टूडेंट्स वन मल्टीप्लाई सिक्स सिक्स, प्लस माइनस माइनस, टू फोर था एट, फोर सिक्स था ट्वेंटी फोर, प्लस माइनस माइनस, सिक्स फोर था ट्वेंटी फोर। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वन मल्टीप्लाई माइनस टू, माइनस टू आ जाएगा, प्लस टू वन था टू, फोर को माइनस टू से मल्टीप्लाई करें माइनस एट, प्लस सिक्स वन द सिक्स। अब इनको कंसाइज करते हैं, सिक्स माइनस एट, एट में से सिक्स माइनस होगा माइनस टू, माइनस टू प्लस टू आपस में कैंसल जीरो, प्लस ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर कैंसल जीरो, एट में से सिक्स चला जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस का टू। तो पार्ट वन को हमने जब सोल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, माइनस टू जीरो जीरो माइनस टू। बेटा इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, एडजॉइंट मल्टीप्लाई ए इनटू एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए, ये एडजॉइंट हमने पहले फाइंड किया हुआ है, इधर स्टार्टिंग में एडजॉइंट फाइंड किया है, एडजॉइंट की वैल्यू पुट की, आगे ए, ए का मैट्रिक्स लिख दिया, आप इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे रो टू कॉलम, ये दोनों रोज फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे, वही फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ सेकंड सेकंड था, सिक्स मल्टीप्लाई वन प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, माइनस टू मल्टीप्लाई फोर, सेकंड सेकंड रो को भी इसके साथ, माइनस फोर मल्टीप्लाई वन प्लस वन मल्टीप्लाई फोर। अब इन्हीं दोनों रोज को सेकंड कॉलम के साथ इसके साथ क्या आएगा, सिक्स मल्टीप्लाई टू, इसका फर्स्ट एलिमेंट सिक्स फर्स्ट एलिमेंट टू, फर्स्ट टू फर्स्ट सेकंड टू सेकंड, सिक्स मल्टीप्लाई टू प्लस माइनस टू मल्टीप्लाई सिक्स, सेकंड रो को भी इसी के साथ, माइनस फोर मल्टीप्लाई टू प्लस वन मल्टीप्लाई सिक्स, फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट सेकंड टू सेकंड, इसको मल्टीप्लाई कर दिया।
सिक्स वन द सिक्स प्लस माइनस माइनस टू फोर द एट माइनस फोर वन द फोर प्लस फोर वन द फोर सिक्स टू द ट्वेल्व प्लस माइनस माइनस सिक्स टू द ट्वेल्व माइनस फोर टू द एट प्लस सिक्स सिक्स माइनस एट साइन डिफरेंट है ये प्लस किया माइनस हो जाएंगी एट में से सिक्स माइनस गए टू माइनस टू माइनस फोर प्लस फोर कट गए जीरो ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व कैंसिल हो गए जीरो माइनस सिक्स माइनस एट प्लस सिक्स माइनस टू। थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट इनटू डेट ए आई डेट के बारे में मैं आपको लेक्चर दे चुका हूं। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स ए हमारे पास है वन टू फोर सिक्स इस मैट्रिक्स का डेट फाइंड करते हैं और उसको आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले डेट फाइंड करने के बाद मैं आई को एक्सप्लेन करूंगा व्हाट डू यू मीन बाय आई, आई का क्या मतलब है। डेट ए इक्वल टू डेट की साइन वन टू फोर सिक्स डेट ए इक्वल टू डेट फाइंड का तरीका आपको आता है वन को सिक्स के साथ वन मल्टीप्लाई सिक्स माइनस फोर मल्टीप्लाई टू डेट ए इक्वल टू सिक्स वन द सिक्स माइनस फोर टू द एट डेट ए इक्वल टू क्या सिक्स माइनस एट माइनस टू इसका डेट निकल आया। डियर स्टूडेंट्स अब आई को देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय आई, आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई मीन क्या है आइडेंटिटी जरबी जाती कॉलम वो क्या होता है वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको जरबी जाती कॉलम भी कहा जाता है वहदानी कॉलम उर्दू में इसको कहते हैं वहदानी कॉलम वहदानी कॉलम जरबी जाती कॉलम। तो अब क्या है इनटू डेट ए आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू डेट हमने क्या फाइंड किया माइनस टू। स्टूडेंट्स आई है आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स वहदानी कॉलम वन जीरो जीरो वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है उसके डायगोनल एंट्रीज वन के इक्वल होती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो के इक्वल होती हैं। वो हम यहां पे पुट कर देंगे वन जीरो जीरो वन। आप इस माइनस टू को मल्टीप्लाई करें माइनस टू वन द टू माइनस टू जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो माइनस टू जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो माइनस टू वन के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस का टू। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के हमने तीन पार्ट्स हमने सोल्व किए हैं। अब इन तीनों का आंसर क्या है सेम आया है। अब जब हमने ए इनटू एडजॉइंट फाइंड किया था तो उसका आंसर भी माइनस टू जीरो जीरो माइनस टू आया था। अब ये तीनों रिजल्ट से हमें क्या चलता हमें क्या पता चलता है फ्रॉम वन टू एंड थ्री वन टू और तीन से इसको हम कह सकते हैं नताएज वन टू और थ्री से साबित हुआ फ्रॉम वन एंड टू प्रूफ दैट साबित हुआ कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल है इंटू एडजॉइंट ए ए इक्वल टू डेट ए मल्टीप्लाई आई। चूंकि इन तीनों का आंसर सेम आया है लिहाजा हम कह सकते हैं कि नताएज वन टू एंड थ्री वन टू एंड थ्री इन तीनों का आंसर सेम है इसलिए हम कहेंगे कि साबित हुआ ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए ए इक्वल टू डेट ए आई इक्वल हैं।